What's up guys? कैसे आप सभी लोग? तो guys, आज मैं एक न्यू गेम खेलने वाला हूँ जिसका नाम है guys, Clothing Store Simulator. Guys, ये गेम एक न्यू गेम आया अभी बीटा टेस्ट में चल रहा है स्टीम पे. इस गेम में मैं अपना खुद का शॉप खोलूंगा guys, अपना क्लोथिंग शॉप एंड लोग आएंगे अब मेरा क्लॉथ को बाय करेंगे. ठीक है, मैं जो भी अपना प्राइस वगैरह सेट करके रखूंगा एंड डे का मैं कितना ज्यादा बेनिफिट कमा पाता हूँ वो चीज मैं आज के डेट में देखने वाला हूँ. सबसे पहले मुझे एक शॉप बाय करना पड़ेगा और वो शॉप का रेंट भी मुझे पर डे देना. मतलब कि रियल लाइफ सिमुलेटर जैसा लगता है जिससे आप लोग को क्लॉथ को कैसे बेचना है, क्या क्या अरेंजमेंट करनी है, उसकी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाली. तो चलो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो के अंदर चलते और आगे बढ़ते गाइस. ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं गेम के अंदर आ चुका हूं एंड यहां पे मुझको न्यू गेम का एक ऑप्शन दे रहा है. न्यू गेम से स्टार्ट करते हैं, गेम के अंदर चलते हैं. ओके, एक यहां पे वेलकम मेरे को दिया गया है. यू आर टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप ऑन योर जर्नी फ्रॉम द स्मॉल शॉप टू मोस्ट इंपोर्टेंट फैशन सेंटर इन द सिटी. ठीक है, तो ऑलराइट यहां पे कचरा का डब्बा है. हेलो, ये कचरे का डब्बा को मैं कहां पे रखूं? इधर को रखूंगा. ठीक है, अपने इसके बगल में रहना चाहिए. इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके रख देता हूं लाइक दिस. ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मुझे एक कंप्यूटर पे जाना है. ठीक है, गो टू द कंप्यूटर एंड ऑर्डर. ठीक है, एक काम करते गाइस, यहाँ पे ट्यूटोरियल पे देखते गाइस एंड शायद इसमें कुछ हो जाए. ठीक है, मतलब पहले शायद मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा. ठीक है, मेरे पास $1000 यहाँ पे है मेरे पास. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि 10 मैं वीमेन का ड्रेस मतलब की खरीद लेता हूँ. तो पहले मैं एड टू कार्ट इसको कर लेते थोड़ा सा एंड इसको भी एड टू कार्ट एंड इसको भी, तीनों को मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक इन कर लेते. ठीक है, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करा एंड सारे पैसा मतलब कुछ हाफ पैसे का मैंने कपड़े खरीद लिए. ठीक है, यहाँ पे आकर के मुझे नहीं, इसको कैरी नहीं करना था मुझे. यहाँ पे कपड़े मैं कैसे रखूँ? एक मिनट, मुझे शायद यहाँ पे डेस्क में जाना पड़ेगा. ठीक है यार, डेस्क में भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा. ओके, योर ऑर्डर हैज अराइव्ड, गो टू द पिकअप. ऑलराइट, अबे बाहर रोड पे फेंक के गया है. कौन है ये? अबे ये बाहर फेंक करके गया, तेरी भैंस की डांग भाई. ऐसे कौन फेंक करके जाता है? लो ठीक है, सारे कपड़े को मैं इधर को रख देता हूँ ला करके. बारी बारी कस्टमर्स आएंगे तो देखेंगे. ऑलराइट गाइस, तो ये मैंने उठा लिया. भाई रोड पे क्यों फेंका यार, मुझे बहुत खराब लग रहा है भाई. कोई कस्टमर देख ना ले वरना गड़बड़ हो जाएगी ना. एक मिनट, इसको मैं अंदर लेके आ सकता हूँ क्या? तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ते गाइस एंड पहले इसको सेल करते. ठीक है, उसके बाद ही शायद ला पाऊंगा. तो शायद यहाँ पे डबल हैंगर नहीं है, ये रखा नहीं पा रहा. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना फेंक देता हूँ इधर को, बाद में उठा करके ना कर लेंगे. ऑलराइट, इसको भी उठाओ. कस्टमर्स आएंगे ना बोलेंगे ये क्या चल रहा है भाई. चलो गाइस, तो यहाँ पे मेरे को अभी तो हो गया, अभी साफ सफाई भी थोड़ा सा कर देते गाइस. ठीक है, अभी लेवल मेरा नहीं हुआ है उठाने के लिए. ठीक है, सेट प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम द कंप्यूटर. ठीक है, अभी गाइस यहाँ से प्राइजेस को मैं सेट कर सकता हूँ यार, बट यहाँ पे प्राइस सेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा गाइस. एक मिनट, मैं ना दुकान को ओपन करके देखता हूँ, कहीं वो ऑप्शन दे दे प्लीज यार. मैं अभी सेट नहीं करूंगा अपने प्राइजेस को तो बेचूंगा कैसे? ये तो गड़बड़ हो गई गाइस. ओके ओके ओके, अबे प्राइस सेट नहीं किया मैंने. अरे वो फ्री में बाय करके ना चली जाए. हेलो, अरे अभी प्राइस सेट नहीं किया मैंने भाई. अरे माँ कसम, कस्टमर आने शुरू हो गए. कितने पैसे दे रहे इसका, इस कपड़े के? तो ये दो कपड़े खरीदे ₹75 में. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं कैसे बेचू? हेलो, टोटल प्राइस 75. ओके, स्पेस कम्प्लीट ऑर्डर. ऑल राइट गाइज, अभी मैं सीख गया हूँ, अभी मैं दुकानदारी सीखा. हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ. ये लो ये लो ये लो, अभी ना भाई एकदम बूम-बाम स्पीड में काम करूंगा. ठीक है, मेरे सारे कपड़े बिक गए भाई फटाफट से. ठीक है, मैं थोड़े से और कपड़े यहाँ पे सेट कर देता हूँ. आई होप कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. अभी फिलहाल के लिए मैंने शर्ट भी रख दिया, अभी कस्टमर्स आएंगे और भी ज्यादा कस्टमर्स आएंगे. ओके, आ गए. हेलो मैम, ये जो शर्ट है ना ये आपके आप पे सूट करेगा. ये टी शर्ट टू-शर्ट में क्या जिंदा रहते हो बताओ? ये टी शर्ट आप आ मत जाइयो मेरे दुकान पे दोबारा, उड़ा दूंगा मैं तेरे को बम से, अला चिपड़ी गईगा. हाँ मैम साहब, आप आ जाओ, आप आ जाओ. बेचारी कुछ पहनी नहीं, आ जाओ आ जाओ. ये शर्ट आप ही के लिए था, मैं जान रहा था कि आपके जैसी कस्टमर आएगी मेरे शॉप पे. आ जाओ, काउंटर पे चला जाता हूँ यार, ऐसे कस्टमर नहीं. एक दफा पूछ भी लेता हूँ, हेलो मैम साहब क्या चाहिए आपको? अबे कोई भाव नहीं दे रहा. हाँ ये तो लेगा भाई, पक्का लेगा. आ जाइए सर, प्लीज प्लीज आप अपना ऑर्डर दीजिए एंड ये लीजिए भाई, अच्छा खासा प्राइस दे रहा है ये तो. भाई मैंने प्राइस सेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक ले जा रहे हैं क्या? मैं प्राइस कैसे सेट करूँ इसका? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं कि इसका प्राइस कैसे सेट करूँ यार, इतने सारे कस्टमर लाइन लगाए हुए. हेलो भाई, ये लो मैम साहब. अरे सारे आदमी रहे भाई, आई नो कि शर्ट आदमी लोग ही खरीदते, मतलब मेंस ज्यादा खरीदते शर्ट, इसीलिए वो लड़की आ रही थी और भाग रही थी क्योंकि मैंने मेल का कपड़ा रख रखा था ना, दैट्स व्हाई गाइस. अभी लास्ट कपड़ा बचा, अभी लड़की लोग भी लेती है भाई शर्ट. हेलो ठीक है गाइस, तो मैंने खरीदा था गाइस 1000 का, मतलब 500 का क्लॉथ खरीदा था और मुझे अभी 700 का बेनिफिट हो गया गाइस. एंड मीनवाइल आप लोग देख सकते हो अभी मेरा यहाँ पे सेट पूरा पड़ा हुआ है भाई. अभी ये भी बेचूंगा ना भाई, पैसे पैसे हो जाएंगे मेरे पास. बट यहाँ पे मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको प्राइस कैसे सेट करूं भाई. कैशियर भी बाय कर सकता हूं, बट इसका कोई अभी नीड नहीं है. फिलहाल और भी चीजें यहाँ पे बाय कर लेते गाइस, लाइक मेरे को और भी हैंगर चाहिए क्योंकि ये मेरे को ना ज्यादा काम आ जाएगा. ठीक है, प्रेस एन. ऑल राइट गाइस, प्रेस एन करते हैं गाइस. आज का बेनिफिट दिखा रहा, फर्स्ट डे का मेरे को बेनिफिट हुआ 1100
$42। वाओ यार भाई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट डे चलते गाइस, नेक्स्ट डे में शायद कुछ हो। अभी तो मेरा शॉप क्लोज में है, ठीक है, इसको क्लोज में ही रहने देते हैं। और फिलहाल मेरे को एक आइडिया करना है गाइस कि मैं अपना प्राइस कैसे सेट कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर पे यार। और मैंने गाइस एक हैंगर खरीदा था, ठीक है, तो ये मेरा डिलीवर हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सेल भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं कैरी करूंगा, ठीक है, ई से कैरी करूंगा। आई थिंक ओपन बॉक्स एफ से हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा गाइस मेरा क्या, तो इसको मैं थोड़ा सा ना इधर साइड में करता हूँ, लाइक इसके बगल में ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सटा करके, लाइक बूम गाइस। एंड अभी मेरे पास दो दो हो चुके हैं, तो मैं और भी कपड़े ऑर्डर कर लेते गाइस, अभी मेरा सेल और भी ज्यादा इंक्रीज करना है। बट यार एक चीज मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इन सब का प्राइजेस कहां से सेट करूं, बिकॉज ऑफ कि यहां पे बोल रहे हैं प्राइस आपको लगाना पड़ेगा, बट कहां से लगाऊं। एक मिनट, यहां पे एक और आइटम था, स्टोर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, तो इसमें तो वेयर हाउस हो गया। एंड ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपने क्लॉथिंग का नाम ही नहीं रखा हूं अभी के लिए, भाई कैसे यार, भाई पागल हूं मैं। तो गाइज मैं ना एक अपना नाम रख देते गाइज क्लोथ स्टोर का, ठीक है, तो यहाँ से मैं नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एवियन कपड़ा बाजार नाम रख दिया है, ठीक है। एंड आप लोगों को लेना हो तो प्लीज से आना मेरे शॉप में। ऑलराइट, तो अभी मैं इसका थोड़ा सा ना मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एंड लाइक इसका मैं कलर को चेंज करके लाइक कौन सा कलर में रखूंगा, तो रेड ही आई थिंक सही लग रहा है, रेड सही लग रहा है, सही लग रहा है। एंड स्पेस में और भी दे सकता हूँ एवियन कपड़ा बाजार, ठीक है, बाय पे क्लिक करते हैं। गाइज ये मेरा हो चुका है गाइज, शॉप का नाम मैंने एवियन कपड़ा बाजार नाम रख दिया। आप लोगों को भी लेना हो तो आओ मेरे शोरूम में आकर के ले जाओ गाइस। मैं बट एक चीज से मैं परेशान हूं गाइस कि ये वाला जो मेरे को सेट प्राइजेस करना है कहां से करना है। ऑलराइट गाइस, तो काफी टाइम के बाद मुझे पता चल चुका है कि अपने क्लॉथ का प्राइजेस कहां से सेट करना है। तो सिंपल में जो यहाँ पे कंप्यूटर में आना है, स्टॉक्स में आने के बाद देख लो, अभी मैंने जो ड्रेस लगाए इसका यहाँ पे प्राइस दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको मैं अभी प्राइस इसका ना मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं देखता हूँ कि अगर 60 में अगर बिकती है तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कस्टमर्स आने अबे क्लोज रखा हूँ तभी तो मेरे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं भाई, ये क्या चक्कर था। ठीक है, तो मैं और भी ज्यादा कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो दुकान है गाइस बहुत ही हार्ड एकदम स्पीड में ग्रो करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक शर्ट वाला बाय कर लेता हूँ, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे दो ये भी बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं $600 का यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, बाय पे क्लिक करते हैं। एंड मेरा यहाँ पे ऑर्डर आ करके रेडी, अबे भाई धक्का मार देता मुझे गाइस, ये लोग फेक करके जाते, बताओ कितना बड़ा दिक्कत है भाई, बताओ आप लोग ऐसे करके फेक करके जाते भाई, एकदम ही मतलब कि इनको अकल नहीं है। ठीक है, एक कस्टमर आ चुका है, हेलो सर, हेलो, ओके 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 ओके, आप ले जाओ, ठीक है, ज्यादा महंगा तो नहीं कर दिया, हेलो, टू एक्सपेंसिव, व्हाट द हेल, हेलो, ज्यादा महंगा हो गया क्या, बोल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा महंगा कर दिए हो आप, तो काम कर देगा 50 में ही रखते हैं, ठीक है, वरना कस्टमर ऐसे रूट करके जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ मैम, हेलो पागल भूत, क्या कॉलिंग पे बात करना है तेरे को, आ जाओ सर जल्दी से आ जाओ। जब तक मैं एक काम कर देगा इसकी और भी ऑर्डर करूंगा, बट हाँ थोड़े से पैसे और कमा लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा चीजें को ऑर्डर करेंगे, बिकॉज ऑफ की वहां पे मेरे बहुत सारे आइटम आए हुए हैं। तो काम करते गए यहाँ पे मैं जा करके ना थोड़ा सा और भी कुछ बाय कर लेता हूँ, लाइक मेरे को और भी हैंगर वगैरह बाय करना है, ठीक है, तो ये एक मैं बाय कर लूंगा, और ये एक मिनट, एक ये और एक ये और एक ये, तीनों चीज को मैं बाय कर लूंगा, ताकि मैं और भी ज्यादा स्टोर में अपना आइटम ला करके रखूं, एंड बहुत ज्यादा मेरे को बेनिफिट हो। तो पहले अपना कस्टमर अटेंड कर लेते, और बाद में चल के ना गाइज मैं बहुत सारे इंप्लॉइज को हायर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टाइम और एफर्ट दोनों ही बचने वाला है, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे इंप्लॉइज को भी हायर करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी ये चीज अपना होता रहेगा, फिलहाल तो अपन चलते गाइस इसको लेकर के, एंड F4 ओपन, और इसको मैं कहां पे रख दूं, लाइक इधर कोने पे रखता हूं, ठीक है, इस साइड में कोने पे रखता हूं, लाइक दिस। ऑलराइट, अबे इसको घुमाया क्यों नहीं, गलत रख दिया ना मैंने, ये हो गया बूम, चलो भाई अभी सही हो गया। एंड हेलो सर, हेलो हेलो, हाउ आर यू सर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सारे ले जाओ, हेलो। अच्छा, उसके मनचाहा कपड़ा अवेलेबल नहीं था गाइस, एंड मैं क्या करूं, अभी बहुत सारे कपड़े को ला करके रखना है, ठीक है, तो चलते गाइस अपने कपड़े को ला करके रखते, बहुत सारे कपड़े ला करके रखेंगे, अपने शोरूम को बहुत बड़ा शोरूम बनाना है, ठीक है। तो ये अपना बढ़िया हो गया। एंड ये अब एक और चीज मैंने बाय करा था, ये एक और हैंगर बाय करा था, इसको ही मैं फ्रंट पे ही रख देता हूँ, लाइक को सटा करके, ठीक है। और अभी गाइस मैं सारे कपड़े को उठा करके ना यहाँ से मैं वहां रखने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ की जल्दी जल्दी बिकेगा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आने वाला गाइस, दैट्स व्हाई। तो अभी इसको मैं इधर ही को फेंक देता हूँ, ठीक है, इधर रख देता हूँ, बहुत सारे कस्टमर आए हुए। हेलो 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 सर, सॉरी सर, मैं अकेला जानू, मैं क्या क्या करूँ, मैं बताओ, अभी बहुत सारे काम करने बाकी है मुझे, तो ठीक है। तो चलो इस ये सारे कपड़े को उठाया मैंने, ऑल राइट गाइज, तो इसको मैं इधर तो प्लेस कर ही सकता हूँ गाइज, ऑल राइट गाइज, फैंटास्टिक हो गया। और जो बच रहे गाइज थोड़े से इधर को रख देता हूँ। एंड इसके मैं सोच रहा हूँ ना प्राइजेस थोड़ा सा बढ़ा दूँ क्या, नहीं अभी प्राइजेस सही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा महंगे बेच रहा हूँ ना, तो बंदे लोग बोल रहे कि भाई आप ज्यादा एक्सपेंसिव में बेच रहे हो, मैं नहीं बाय कर रहा, तो ये दिक्कत हो जा रही है। अभी फिलहाल फैंटास्टिक हो गया गाइस। एंड भाई पैसे तो अभी धुन दूंगा भाई, भाई इतने सारे पैसे कमाऊंगा कपड़े बेच करके कि किसी ने सोची ना होगी। आ जाओ मेम साहब, अरे उधर कुछ नहीं है, हेलो, अरे इधर कुछ भी नहीं है नूब,
अबे ये कपड़ा कहाँ था? अच्छा चेंजिंग रूम में गाइस वो लोग चेंज करके देख रहे हैं। फैंटास्टिक भाई, आफत हो गया। प्रेस एंड टू द न्यू डे। ऑलराइट, लग रहा है ये डे खत्म हो गया गाइस, एंड अभी मेरे को ना न्यू डे स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ये वाले कस्टमर को अटेंड कर लेता हूँ वरना कपड़े लेकर के भाग जाएंगे। चेंजिंग रूम रख करके मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, बिकॉज ऑफ की चेंजिंग रूम रहेगा ना तो अपना काम अच्छा होगा। चलो गाइस, तो एन फॉर नेक्स्ट डे पे क्लिक करते गाइस। मेरा 2 दिन हो चुका है और 2 दिन में मैंने बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कमाया। फर्स्ट डे में मैं 1100 बेनिफिट कमाया था और अभी $900 मैंने बेनिफिट कमाया है। बट आज के डेट में मैंने बहुत सारे न्यू चीजें मैं बाय कराऊ तो वो भी एक अच्छी बात है गाइस। एंड यहाँ पे शायद मेरा न्यू लेवल हो चुका है। स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा ना रेट में बढ़ाने वाला हूँ, लाइक मैं टी कर देता हूँ, अगर जिसको लेना होगा वो लेंगे ही गाइस। मेरे को क्या है, मेरे को तो बस पैसे से मतलब है भाई, लेना होगा तो ले भी करेंगे। ठीक है, तो मैं शॉप को अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ पे ना मैं अपना एड्स चला सकता हूँ, तो एड के भी ज्यादा पैसे नहीं लग रहे गाइस, तो एक एड चला दिया जाए क्या? ओके, अभी लेवल उतना हुआ नहीं मेरा एड चलाने के लिए। ठीक है, हेलो मैम साहब, एवियन कपड़ा बाजार में आपका स्वागत है। अरे डायरेक्ट ये तो बहुत हाई क्वालिटी में जा रही है ये भाई, पैसे से ही भाग जाते भाई ये। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ यार, ये पैसे से ही भाग जाते, बोलते बहुत ही ज्यादा अब तुम प्राइस रखे हो भाई, मैं नहीं लेने वाला, ऐसे बोल के भाग जाते। चलो गाइस, तो अभी इसको 50-50 रहने देते, देखते अभी लेता है कि नहीं। चलो गाइस, एक मेम साहब तो ली है कपड़ा। ऑलराइट, आ जाओ मेम साहब, आ जाओ। इसमें बट एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो कपड़ा मैंने लाया ना, ये कौन सा ड्रेस है आई डोंट नो, बट इसका सेलिंग नहीं है, शॉर्ट्स है गाइस। ये शॉर्ट्स का ना सेलिंग नहीं, बिकॉज ऑफ की एक भी कस्टमर शॉर्ट्स के आए नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और भी न्यू कपड़े आए हैं क्या, मैं देख लेता हूँ एक बारी। एंड ब्रांड्स के मैं ओके गाइस, मैं ब्रांड बाय कर सकता हूँ, मेंस टी शर्ट, वुमेन टी शर्ट भाई सब कुछ डील करता हूँ गाइस, ब्रांड का कपड़े बाय करूंगा। ठीक है, एंड अभी आप लोग देख सकते हो ब्रांडेड कपड़े यहाँ पे आ चुके हैं बहुत सारे, यहाँ पे ना मैं बेनिफिट कमाऊंगा, इसको मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मेम साहब जा रही है चेंजिंग करने के लिए, आ जाओ मेम साहब। हेलो सर, हेलो, ये कपड़ा आप ही के लिए था, $80 दो बाय करके जा रहे भाई। मैं मेरा शोरूम चमक गया भाई। भाई यहाँ पे मेरे और भी कपड़े थे, सब किधर गए मेरे कपड़े यार, खत्म भाई। ओके मेम साहब, ले जाओ जल्दी क्या गाइस, बेनिफिट बहुत कम हो रहा है। ये शॉर्ट्स को लेकर के मैं लग रहा पैसा फंसा दिया हूँ। अच्छा, टू एक्सपेंसिव बता रहा ना, अभी मैं वो शॉर्ट को निकालने का एक तरीका तो है गाइस, वो शॉर्ट्स को निकालने का एक तरीका तो है। इसको मैं एक काम करता हूँ कि प्राइजेस को ना थोड़ा सा मैं लो करके $40 कर देते, $40 पर पीस में आई थिंक बिक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी तो आगे मर्जी है। जीमर मैन आए हैं, जीमर मैन क्या लोगे आप? आई नो कि आप शर्ट लेने आए हो। ठीक है ओके, 2-3 बाय करो ना सर। एक ये शॉर्ट्स भी देख लो वाइफ के लिए। ठीक है, और आप किधर? अबे इधर कुछ नहीं है। हेलो, अबे उधर जा भाई, गजब देख रहा था यार वो। ओके, अंकल जी दो कपड़े बाय किए। ठीक है, आ जाओ। बेचारे बच्चा ना यहाँ पे आकर के झांक रहा था, हेलो कोई है क्यों नहीं, कोई कपड़ा क्यों नहीं रखा। चलो गाइस, अभी अपना बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होने लगा है, एंड शॉर्ट्स का ही मैंने प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो अभी लेंगे। ये लड़की भी आ रही, ये भी लेगी भाई। इतने पैसे नहीं है जितना मैं ये बाय कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं इतना तो बाय कर लिया गाइस कि काम अपना हो जाएगा। ओके मेम साहब जी, जल्दी पैसे दो, एंड मेरे को बहुत ही बड़ा शोरूम करना है गाइस, बहुत ही बड़ा शोरूम करना है। चलो भाई, तो मेरे कपड़े की गाड़ी भी आ चुकी गाइस, एंड यहाँ से मैं ब्रांडेड कपड़ा को उठा लेता हूँ गाइस, एंड इसको मैं कहाँ रखूँ, इस वाले में रखूंगा। ठीक है, ये मेरे जाएंगे यहाँ पे और बाकी के मैं इधर को फेंक देता हूँ। एंड भाई ये शॉर्ट जल्दी बिक जाते ना भाई, तो अपना काम हो जाता। चलो गाइस, एक तो मेरा बिक गया, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हेलो, कौन सा कपड़े बाय करना है भाई? मैं सारे वैरायटीज के कपड़े लाऊंगा, आप तुम लोग टेंशन ना लो। ए भाई, मैंने उसका प्राइस सेट नहीं किया कहीं बंदे। हेलो, इसका $70 करो भाई, ये मैंने बहुत बहुत महंगे में खरीदा हूँ मैं। ये लो मैम सब, आ जाओ। चलो अभी सारे हो गए गाइस, एंड यहाँ पे तो अपना होता रहेगा गाइस। एंड सबसे पहले तो मैं इसको एक यहाँ पे बच रहेगा, इसको सेल करके निकालते हैं। ठीक है, ये जल्दी से सेल हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी का और भी कपड़े आए हुए हैं इधर, तो गाइस इसको भी मुझे सेल आउट करना है। एंड थोड़े से मुझे और भी रैक्स वगैरह बाय करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ की रखने में गाइस दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक स्टैंड भी है जिसमें पुतला वगैरह मैं रख करके ना डिजाइन वगैरह अपने कपड़े का दिखा सकता हूँ, तो वो चीज अपन बाद में करेंगे। ये वाला बाय कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं 2 बाय कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ज्यादा ही मेरे को ये, क्योंकि हर टाइप का ब्रांडेड कपड़ा रखूंगा ना, तब जा करके मेरा बेनिफिट और भी ज्यादा होने वाला है। तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके रखने वाला हूँ, लाइक सटा करके रखेंगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड ये भी आ जाएगा गाइस, और उसके बाद इसको ही मैं थोड़ा सा ना ऐसे करके रख देता हूँ। तो मैं कहाँ पे रखूँ, लाइक इधर को रख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये फैंटास्टिक हो गया। चलो, बहुत सारे कस्टमर की लाइन लगी पड़ी है। हेलो मेम साहब, हेलो, आ जाओ। ये लो, अरे मैं इम्प्लॉय नहीं रखूंगा, मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। कोई माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ओके, अबे दो अमीर लग रही है भाई ये तो। हेलो भाई, ये भी अमीर है भाई, पैसे की तो बारिश हो रही। अबे कपड़े सब बिक रहे मेरे, अबे इसको रखो भाई।
अभी इसको रखो भाई, ये कपड़े नहीं बिकेंगे दिक्कत हो जाएगी भाई। सब कपड़े बिकने चाहिए गाइस। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा और भी कपड़े मंगाया था ना, ऑर्डर करा था, तो ये रहा मेरा कपड़ा एंड ये जाएगा ये। हेलो, ये क्या है बे? ये तो ऊपर का कपड़ा है। ठीक है गाइस, तो अभी तो फैंटास्टिक हो गया, थोड़ा सा और भी मैं सेट कर देता हूँ ये सारे कपड़े को मैं अपने रेक्स में, ताकि आएंगे बंदे लोग एंड बाय करेंगे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट डे पे चलते गाइस। अब आज के डेट में मेरा फोर्थ डे यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, इतना ज्यादा कम बेनिफिट कमाया। ठीक है, बट मैंने पूंजी भी तो लगाया बहुत सारे यार। चलो भाई, तो ये सारे कपड़े मैंने ला लिए एंड इसको मैं इस साइड प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एक भी कस्टमर लौट करके जाए भाई। ये क्या है, इनफ फिल्टरिंग रूम? अरे भाई, दो दो लग रहा है मुझे फिल्टरिंग रूम को रखना पड़ेगा। ठीक है, बंदे लोग को दिक्कत हो रही है, एक घुस रहे तो 10 घंटे में निकल रहे और एक बंदा वेट कर रहा है और वही मेरे को रिपोर्ट कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ फिल्टरिंग रूम नहीं गए। तो लो भाई, मैंने एक और फिल्टरिंग रूम बाय कर दिया। ठीक है, चलो गाइस, इस वाले फिल्टरिंग रूम को मैं चाहता हूँ कि इधर को मैं रखूँ, बट ये सीधा कौन सा उल्टा कौन सा पता ही नहीं चलता। हाँ ये ठीक है, $400 भाई, मैंने प्राइस तो सही रखा है ना, वरना लूट मार के चले जाएंगे भाई। प्राइजेस अगर मैं कम रख दूंगा, लोग बोलेंगे भाई बहुत अच्छा खासा एवियन शोरूम में सेल लगा हुआ है। चलो भाई, और वही मैं चाहता भी हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा और भी कपड़े बाय कर लेना चाहिए गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला एक बाय कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कपड़े का ना घेर लगा के रखना है भाई, कपड़े कम नहीं होने चाहिए, बस कपड़े जितने आए बस उतना अच्छा है। ये लो भाई, शॉर्ट वगैरह मैंने रख दिया। ऑल राइट गाइस, आ जाओ मैम। भाई बहुत अमीर थी ये तो, बहुत ही ज्यादा बाय करके गई है। हेलो, टू एक्सपेंसिव, तेरी भैंस की आंख तेरे औकात से बाहर है भाई। इम्प्लॉयज हायर अभी नहीं कर सकता, क्योंकि इम्प्लॉय में अभी बहुत ही ज्यादा लेवल मांग रहा है। ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट में मैं एक एरिया बड़ा कर सकता हूँ गाइस, बट इसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, थोड़े से पैसे यहाँ पे घट रहे। ठीक है, और एक अपना मैं एरिया वेयर हाउस भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं साइन बोर्ड तो मैं ये कर ही चुका हूँ। ठीक है, शॉपिंग बैग भी मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए लेवल 10 चाहिए गाइस, तो इसके लिए भी हम लोग वेट करेंगे, सारे चीज के लिए वेट करेंगे। ऑलराइट, तो ये सब चीजें लो भाई, एक्सपी तो बहुत ज्यादा मिल रहे गाइस एंड एक्सपी जैसे जैसे बंदे बाय कर रहे ना कपड़े। हेलो मेम साहब, जल्दी निकलो, कस्टमर वेट कर रहे हैं। कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहा गाइस? मैं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया यार। भाई ये तो दिक्कत हो जाएगा, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं रहेगी ना गाइस, तो सारे बंदे मेरे कपड़े लेकर के भाग जाएंगे और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ ना भाई। कितने का? $188 का बाय करिए भाई। काम करते गाइस, थोड़ा सा ना प्राइजेस को मैं बढ़ा दूं क्या? मुझे लग रहा है कि 10-10 प्राइजेस सब में बढ़ाना चाहिए। लाइक मैं इसको 70 करके देखता हूँ, अगर बिकी तो बिकी भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जल्दी जल्दी बेनिफिट हो यार। इतना कम बेनिफिट में मैं कुछ जल्दी से कर नहीं पाऊंगा, दैट्स वाई। कस्टमर्स की तो लाइन लगी पड़ी गाइस, आ ही रहे। चलो गाइस, अभी आई होप कि मेरे कोई कस्टमर लौट के नहीं जा रही है। एलेगेंजा का मैंने यहाँ पे एक ब्रांड खरीद रखा और एक लक्स लाइन का भी यहाँ पे ब्रांड बाय कर रखा हूँ, मतलब कि पार्टनरशिप कर रखा हूँ, तो अभी के लिए सही गाइस। एंड थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टैंड बाय करूँ एंड एक पुतला जिसमें लोग ना आकर के देखेंगे। एंड गाइस एक मैं ट्राई करने वाला हूँ कि एक्सटेंड एक बाय करूंगा और एक मैं मेन का बाय करूँ क्या? एक मिनट, मैं एक वीमेन का पहले बाय करते, ठीक है? तो ये दोनों मैं बाय कर लिया हूँ। ऑल राइट गाइज, एंड ये ट्रक ड्राइवर आ चुका है मेरा। ऑल राइट, ये एक्सटेंड था, ठीक है, अभी इसको उठा करके मैं स्टैंड पे रख देता हूँ लाइक दिस। भाई साहब ये फैंटास्टिक हो जाएगा। इसको कपड़े पहनाओ। हेलो, अबे मेम साहब आपको कपड़े कैसे पहनाऊं मैं? अरे ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई। एक मिनट, आई हैव एन आइडिया। इसको मैं इस पे डाल देता हूँ। एंड पजामे कहाँ गए भाई? एक मैं इसको भी डाल दूंगा। ये पजामा क्यों नहीं डालवा रही है? हेलो, ये पजामा इसके लायक नहीं है क्या? इसके मैं क्या डालूं मैं? अबे मतलब डालने का मत सोचो भाई, क्या पहनाऊं मैं? वो बोल रहा हूँ। छोड़ो गाइस, अभी उसको रहने देते, ठीक है? एंड अभी के लिए गाइस डे को न्यू डे स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस आज के डेट में भी बेनिफिट देखते हैं, मेरा फिफ्थ डे एंड हो चुका है, $600 का मैंने बेनिफिट कमाया है। तो गाइस बेनिफिट तो अभी आ रही है और मेरा पूंजी भी बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है, तो ये सारे बिकेंगे तो मुझे लग रहा है 4-5 हज़ार का तो ही पूंजी मैंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ना लोअर पहना देता हूँ, एक ये लो। चलो भाई ये फैंटास्टिक हो गया। एंड एक मेन का ही पुतला मैं बाय कर लेता हूँ। कहाँ से बाय करा था मैंने? इसमें जा करके यहाँ पे, ठीक है, ये वाला को मैं बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और, एक मिनट, कस्टमर को पहले अटेंड कर लेता हूँ वरना ये लोग गुस्सा आ जाएंगे। चलो भाई ये मेरा पटक के भाग गया, इसको ओपन करते हैं। एंड इसको एग्जैक्टली मैं इसी के पास में लाइक यहाँ पे रख दूंगा। ये लो, तुम जींस लो, ये लो भाई। फैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई, फैशन ही फैशन होना चाहिए। तो ये हो गया गाइस। और एक क्लॉथ जो कि बहुत ही स्पीड है बिक रही गाइस, एंड ये वाला गाइस एलगेंजा का ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं दो को अभी कार्ट कर लेता हूँ एंड ला करके रख लेते हैं। ठीक है, ट्रक ड्राइवर आ चुके हैं, इसको मैं यहाँ बीच वाले में रख देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल सही हो गया। एंड एक और यहाँ पे आ चुका है, इसको भी ले जा करके मैं इस साइड को रख देता हूँ। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ क्योंकि वो जल्दी ज्यादा स्पीड है बिक रहे। ठीक है, तो मैं इसका प्राइजेस को 55, ठीक है यार। तो चलो, $400 का मैंने फिर से यहाँ पे कपड़े बाय कर लिया है।
और बेनिफिट तो बस होना ही होना है गाइस, बेनिफिट होगा नहीं तो जाएगा कहाँ। लोग अब देख रहे हो गाइस बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े बाय कर रहे हैं, मतलब एक बंदा दो तीन कपड़े बाय कर ले रहा है ठीक है। अब जो ही बंदे आएंगे वो अपना बाय करेंगे एंड लेकर के जाएंगे। ओके चेंजिंग रूम में जा रहा है भाई, लेकिन ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, जो वो जो कपड़े चेंज करने जाते हैं ना वो चेंजिंग रूम में ही कपड़े को रख करके आ जाते हैं भाई। तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कपड़े कम क्यों हो रहे हैं भाई, तेरी भैंस की आंख यार, ये तो बहुत गलत बात है इनका यार, कुछ अच्छा कर लो भाई। ऐसे करोगे मतलब जहाँ से उठा रहे एटलीस्ट वहाँ तो रखे भाई, जहाँ भी मन में आया फेंक करके निकल लिए भाई, खतरनाक सीन हो गई भाई। देख रहे इधर भी कपड़े पड़े हुए भाई, क्यों यार ऐसा ना करो मेरी जान। ऑल राइट गाइस, तो अभी गाइस बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हो रहा है, कस्टमर लोग ना बहुत ही मस्त मस्त कपड़े लेकर के जा रहे हैं। रेंट दो दिन का रेंट पे करना है, कर दो यार, ये रेंट वगैरह में तो मैं बिक जाने वाला हूँ भाई, एक दिन देखना तुम। अभी स्टॉक में तो सारे कपड़े ना, ये वाला स्टॉक खत्म होने वाला, तो एक और स्टॉक में बाय कर लेता हूँ, जितना जल्दी बेचूंगा उतना जल्दी मेरे को बेनिफिट होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि मुझे और भी कंपनीज का ना कपड़े को वगैरह को ना बाय करना पड़ेगा, कोई और कपड़ा नहीं ना यार, घट तो नहीं रहा ना कोई कपड़ा। ऑल राइट गाइज, तो एक और यहाँ पे मेरा ब्रांड खुल चुका है गाइज, स्टाइल विस्टा का ब्रांड खुल चुका है, इसका भी हम लोग कपड़े ला करके रखेंगे बट अभी नहीं गाइज। ओ माई गॉड, स्टोर बॉक्स खुल चुका है और यहाँ पे कुछ और भी आइटम्स यहाँ पे खुल चुका है। पहले मैं इसको बाय करके देखता हूँ गाइस कि आखिर ये है क्या। चलो गाइस, तो इसको मैं बाय करके देख लिया हूँ कि अभी आ चुका है ऑर्डर, तो मैं कहीं पे तो भाई ये तो बड़ा लग रहा है यार, भाई रखा नहीं पा रहा है। ओके लग रहा ना गाइस, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना के लिए भी दुकान में को ना बड़ा करना पड़ेगा, तभी जा करके हो पाएगा रखा पाएगा। भाई कितने कितने कपड़े बाय कर रहे बंदे लोग, एक एक बारी में 6-7 लग रहा, पूरे फैमिली के कपड़े लेकर के जा रहे हैं अभी ये। तो ऐसा ना मैं दुकान को अपग्रेड करने की सोचता हूँ ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट में जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एरिया को बड़ा करते हैं ठीक है। ये हो गया गाइस एरिया बड़ा। ऑल राइट गाइस, डबल रूम हो चुका है। ओके अभी मैं इसको प्लेस करके देखता हूँ, प्लीज हो जा यार, ये हो क्यों नहीं रहा गाइस, पता नहीं शायद ये शायद पता नहीं क्या है बट वो प्लेस नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, बट स्टोर अपना बड़ा हो चुका है गाइस एंड ठीक है। तो अभी के लिए ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में और भी चीजें मैं करने वाला हूँ, अपने शॉप को बहुत ज्यादा बड़ा करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप लोग जरूर से देखना गाइस नेक्स्ट एपिसोड को भी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।